एक्चुअली आज की वीडियो बनाने का मेरा पर्पस बस यही था कि पिछली जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप क्या वर्क करते हैं, कहाँ बिजी रहते हैं, क्योंकि मैंने उसमें बोला था कि मैं वर्किंग हूँ, मैं लेट नाइट सोती हूँ, सुबह देर से उठती हूँ। तो मेरे से पर्सनली कमेंट्स भी आए, पर्सनली पूछा लोगों ने मेरे से कि आप क्या करते हैं, कहाँ बिजी रहते हैं। तो बस वही बताने के लिए मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ, जो कि शायद मेरे को सोच रही थी मैं कि इस वीडियो को बाद में बनाऊँगी। और आज मैं आपको बताऊँगी कि मेरी वर्किंग कहाँ से शुरू हुई और कब शुरू हुई, और साथ ही साथ मैं आपको अपना सारा बेडशीट्स का कलेक्शन भी दिखाऊँगी। मेरी वर्किंग जर्नी शुरू हुई करीब आज से 12 साल पहले, क्योंकि मेरे को डिजाइनिंग का बहुत शौक़ था, नए नए डिजाइन बनाना, क्रिएटिविटी करना मेरे को बहुत शौक़ था। तो मैंने एक कारीगर को बिठाना और डिजाइनिंग शुरू की। तो मैंने सबसे पहले जो डिजाइनिंग की वो बेडशीट्स पे की, कई तरह के पैचेस एम्ब्रॉयडरी वगैरह की मैंने बेडशीट्स बनवाई। तो उसके बाद मैंने एक एग्जीबिशन हेल्ड की, जो कि लोग बागों ने उसको काफ़ी पसंद किया और मेरे पास काफ़ी ऑर्डर्स, मतलब पसंद करते थे लोग, काफ़ी ऑर्डर्स आने लगे। तो मेरे को शायद इतना रश था कि मैं उनकी डिमांड भी पूरा नहीं कर पा रही थी। तो विद इन ईयर मेरे ख्याल से मेरे पास 4 या 5 कारीगर हो गए थे, जिनकी और फिर मेरे पास पूरा इतना लोडेड काम था कि मैं फिर भी नहीं कर पा रही थी, इतने डिजाइन मेरे लोगों को पसंद आ रहे थे। जो जर्नी मैंने 1 साल पहले एक कारीगर से स्टार्ट की थी, वो 1 साल बाद करीब 4-5 कारीगर पर आ गई थी, और फिर भी मैं अपने कस्टमर्स के ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत ऑर्डर्स थे, मेरी डिजाइन्स को बहुत पसंद करते थे लोग। और आज इस करीब करीब 12 साल हो चुके हैं इस बात को, और हमारा जो बेडशीट का प्रोडक्शन है वो एक फैब्रिका फर्निशिंग्स नाम से ब्रांड बन गया है, जो कि जिसकी कि हम हमारी पूरी ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई है फैब्रिका फर्निशिंग्स की, शॉपकीपर्स पे भी सप्लाई है, ऑनलाइन भी है हमारा, ऑफलाइन भी है, और इसके अलावा बाहर भी बहुत जाता है। लोग डिजाइन बहुत पसंद करते हैं, इतना मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि आप इतने डिजाइन कहाँ से लाते हो, कैसे बनाते हो। तो वैसे ही मैं पूरा डिजाइनिंग का पूरा देखती हूँ मैं फैब्रिका फर्निशिंग्स में अपने यहाँ, और थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का, यही मेरा वर्किंग का पार्ट है। मैं फैक्ट्री में पूरा डिज़ाइनिंग का देखती हूँ, थोड़ा मैनेजमेंट भी देख लेती हूँ। तो मेरी यही दिनचर्या है, और बात बाकी मैं आप लोगों से मिलती हूँ, जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाती हूँ बेडशीट का, जो मेरे पास है, जो मुझे पसंद है, जो मैं अपने यहाँ बिछाती हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो चलते हैं, देखते हैं कलेक्शन। देखो ये वाली बेडशीट है, जैसे ये मेरा अपना ओन प्रोडक्शन है, फैब्रिक देखेंगे आप एकदम इतना थिक, सूदिंग गर्मियों के हिसाब से, प्लस इसके अगर आप पिलो कवर देखेंगे, देखिए कितने लेसेस के और कितने खूबसूरत हैं, एकदम रिच लुक वाला प्रोडक्शन है ये हमारा, और ये बहुत दुबारे है। ये मेरा प्लेन बेडशीट्स का कलेक्शन है, मेरे को वैसे मोस्टली प्लेन ही पसंद है, और लाइट और डार्क सभी तरह के कलर में बिछाती हूँ। देखिए ये ऐसे प्योर कॉटन, 100% प्योर कॉटन होता है हमारे यहाँ का फैब्रिक। ये स्ट्राइप्स हैं इसमें, आप देखिए सेल्फ स्ट्राइप्स हैं, और कोई मिक्सिंग नहीं होती इनमें, साइज़ भी इनके बहुत प्रॉपर होते हैं। मैं आपको एक बेडशीट खोल के दिखाती हूँ, साइज़ इनका पूरा प्रॉपर होता है हमारा, देखिए पूरा साइज होता है, ये फुल साइज बेडशीट्स होती हैं, फैब्रिक बहुत अच्छा होता है इनका। और जब भी मैं बिछाती हूँ तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत मिलते हैं इन वाली बेडशीट्स को। मेरे को मैं जो बिछाती हूँ अपने बेड पे, तो थोड़ा ना लुक चेंज कर करके बिछाती हूँ। जैसे सपोज करिए मेरे पास ये बेडशीट अगर मैंने आज बिछाई, तो मैं इसके साथ में कभी इसके साथ की मैचिंग के पिलो ना लगा के कंट्रास्ट के पिलो, जैसे मैंने ये लगा दिए, देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है इन दोनों का, बहुत अच्छे लगते हैं। आप कोई भी कंट्रास्ट के पिलो इनके साथ लगा सकते हैं। ये लगा दिए मैंने, कुशंस कुछ अलग तरह के लगा दिए, पिलो इसके साथ के लगा दिए, तो लुक ना बहुत अच्छा आता है इनका, और बहुत ही रिच लगते हैं ये।
लेकिन इनका बस यही कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि कलर के साथ वाइट को कभी वॉश ना करें। तो ये दिखाई ऑरेंज ब्रशी, ये मेरे पास एक ये ब्राउन भी है, तो ये भी जैसे मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि इसके साथ इसकी ग्लू लगा देती हूँ और इसके साथ इसकी ग्लू लगा देती हूँ, तो बेडशीट का लुक अलग आता है। इंटरचेंज करके आप बिछाएंगे तो उसका अलग लुक आएगा, और अगर मैचिंग से बिछाएंगे तो अलग लुक आएगा। इसका आप दोनों तरह से कुछ बिछा सकते हैं। ऐसे ये तो वाइट तो एवरग्रीन है, वाइट के साथ वाइट ही लगाइए, या फिर बेडशीट आप पिंक के पिलो भी लगा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अगर हम वाइट के साथ पिंक के पिलो लगा कर लगाएंगे इसमें तो बहुत सुंदर लगेगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये मेरा प्लेन का यही कलेक्शन है। मेरी शायद दो बेडशीट ड्राइविंग के लिए गई हुई है प्लेन में, तो वो शायद अलग कलर की है वो, और बाकी की मेरा प्लेन का मेरा ये वाला कलर। फ्रेंड्स ये मेरा सारा प्रिंटेड का कलेक्शन है जो आप देख रहे हैं। ये गर्मियों वाला कलेक्शन है जो कि मैं गर्मियों में बिछाती हूँ बेडशीट्स को, और मेरा सबसे फेवरेट मेरी ये वाली बेडशीट्स है। ये देखिए गर्मियों के हिसाब से कितना सूदिंग कलर है इसका, और ये मेरी सबसे फेवरेट बेडशीट है। मैं इसको अभी आपको बिछा के दिखाऊंगी, इसको बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही लाइट कलर एंड अच्छा कलर है। ऐसे ही ये है, ये ऑफ वाइट पे इसका ग्रीन का टच दिया हुआ है, ये मेहरून है, ये शेडेड का है। अभी एक हमारे यहाँ स्टॉक बना था शेडेड का, तो मैंने ये पसंद करके मैंने लिया क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आया था। ये लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन है इसमें, तो ये एक ये है, ये पोलका डॉट में है ये वाला, ये अगेन ग्रे एंड लाइट ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। तो मेरे पास आपको ज़्यादातर बेडशीट जो मिलेंगी वो ग्रे या ब्लू कॉम्बिनेशन की मिलेंगी। जैसे ये ब्लू है, ये देखिए ट्रेडिशनल इसका प्रिंट है और बहुत ही खूबसूरत लगती है बिछने के बाद में। ये एक ब्राउन कॉम्बिनेशन की है, ये अगेन एक ब्लू कॉम्बिनेशन की आ गई, बिल्कुल ट्रेडिशनल एंड राजस्थानी लुक वाली बेडशीट है। बिछने के बाद ना इन बेडशीट्स का बिल्कुल अलग लुक आता है। आप इनको बिछाएंगे या मैं भी आपको बिछा के दिखाती हूँ एक बेडशीट, तो बहुत अच्छा लगेगा। एक ये सी ग्रीन कलर का फ्लोरल प्रिंट में है, गर्मियों में सूदिंग लगती है बहुत लाइट कलर फ्लोरल के साथ, बहुत ही प्यारा कलर है। एक ये बेडशीट ग्रीन में है, ग्रीन एंड ग्रे कॉम्बिनेशन की, इसको हमने पैच में डिजाइन किया है पैच के साथ। ये देखिए बिछने के बाद बहुत खूबसूरत लगती है। ये साइड में आता है, दोनों साइड में पैनल आते हैं, बड़ा ही खूबसूरत लगती है ये बिछने के बाद में। और इसकी पिक मैं जरूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जैसे ये है, ये ब्लू कॉम्बिनेशन की है, ये वाली बेडशीट है। जैसे देखिए इसका फैब्रिक कितना थिक फैब्रिक है इसका, और बिल्कुल स्लिप नहीं होता है, ये बेड से स्टिक हो जाता है गद्दे पे एकदम से। देखिए कितना थिक फैब्रिक है इसका, और ये ट्रेडिशनल, अगेन ट्रेडिशनल बेडशीट मेरे को बहुत पसंद है। कैरी का डिज़ाइन बना हुआ है इस पर, तो मैं इसको बहुत बिछाती हूँ, मेरे को ना ये बहुत पसंद है। कैरी के डिज़ाइन की मेरे को अच्छी लगती है। एक मेरे पास ये भी है कैरी वाला डिज़ाइन का बेडशीट, और इसके दोनों कलर ही मेरे को अच्छे लगते हैं, तो मैं इसके दोनों कलर को एक्सचेंज करके कभी इस रूम में कभी उस रूम में ऐसे करके इनको बिछाती हूँ रूम्स में एक्सचेंज करके। तो ये मेरा कलेक्शन हो गया। जो बेडशीट मैंने भी आपको दिखाई थी, इसके पिलो बड़े ही प्यारे हैं, फ्रिल वाले हैं बिल्कुल। इनका ना लगने के बाद अलग ही लुक आता है, ऐसे फ्रिल मैंने ना इसको डिज़ाइन कराया था तो मैंने इसे फ्रिल लगवा दी थी, बिल्कुल इसका अलग लुक आता है। और बिछने के बाद ना लगने के बाद इतना सुंदर लुक आता है इनको, देखिए इसको ऐसे करके लगाएंगे तो एक अलग ही लुक आता है इसका, बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला। ये मेरा सारा एम्ब्रॉयडरी वाला और मिक्स एंड मैच एंड पैच वाला कलेक्शन है जो कि मैं बिछाती हूँ अपने दोनों तीन रूम्स में। तो ये सबसे ऊपर वाला जो है रेड एंड वाइट, ये कपल्स का है, इसमें कपल्स का डिजाइन डला हुआ है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है इसका, और लाइट है बिल्कुल कोई इस पर बहुत ऐसी। ये देखिए ऐसे है इसका डिजाइन, और एक इसका एक कलर ये है वो रेड एंड वाइट कंट्रास्ट में था, ये ब्लैक एंड वाइट में है, सेम पैटर्न है बट ये ब्लैक एंड वाइट में है। ये सारी मेरी यूज की हुई बेडशीट है, सब मेरी बिछाने वाली है सारी।
ये देखिए, एक ये है, ये मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आता है इसका डिजाइन, क्योंकि इस पे ना बहुत बड़ा पिकॉक बना है, बहुत ही खूबसूरत इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई है। देखिए तो ये मैं इसको बिछाती हूँ अक्सर, मेरे को ना ये बहुत अच्छा, कोई गेस्ट आता है घर में या कोई फेस्टिवल होता है तो मैं इस टाइप के हैवी बेडशीट बिछा देती हूँ, तो इससे रूम का लुक बिल्कुल अलग लगने लगता है। ये पिंक शेड में है, सारे डिजाइनर बेडशीट है और मैं खुद ही डिजाइन करती हूँ, तो मेरे को तो हर सारी बेडशीट ही अच्छी लगती है। मैं जो भी देख लेती हूँ अपनी डिजाइन की, मेरे को तो सारी बेडशीट अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है सारी। और कलर भी मैं एम्ब्रॉयडरी के अपने हिसाब से ही इनमें लगवाती हूँ, जो मेरे को अच्छे लगते हैं उसके अकॉर्डिंग ही। ये देखिए बिल्कुल अलग डिजाइन है इस बेडशीट को, जब भी मैं बिछाती हूँ इसको बहुत ही अच्छा लगता है रूम बिल्कुल। मेरे एक रूम में ब्राउन कलर है पेंट का, तो मैं अक्सर उसमें इसको बिछा देती हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका करीब बेज टाइप का सा कलर है इसका, तो ये बहुत ही सुंदर लगती है उसमें। एक ये है मैरून कॉम्बिनेशन का, देखिए कितना सुंदर कलर है, ये सेंटर में जाल है इसमें पूरे में, वेरी ब्यूटीफुल बेडशीट है ये। ये एक बेडशीट ये है पिंक कलर की मेरे पास, जो कि मैं इसको ना कोई गेस्ट आते हैं बिछाती हूँ, क्योंकि ये बहुत लाइट कलर है और बहुत प्यारा लगता है मेरे को, तो मैं नहीं चाहती कि जल्दी से मेरी ख़राब हो जाए। तो इसके साथ में क्या है कि एम्ब्रॉयडरी वाले लोग हैं ऐसे, जिस तरह के इस पर प्रिंट हो रहा है बेडशीट पे, उसी टाइप की मैंने ना इस पर एम्ब्रॉयडरी कराई है, और ये सारी मेरे यहाँ कंप्यूटर मशीन जो लगी हुई है उन्हीं की एम्ब्रॉयडरी है, तो मैंने मिक्स एंड मैच करके बनवाया है। तो मैं इसको कमी बिछाती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ही पसंद है ये, बहुत ही प्यारी लगती है, तो जल्दी से ख़राब ना हो जाए इसीलिए मैं इसको कमी बिछाती हूँ। एक ये है मेरे पास बेडशीट, इसके कंट्रास्ट में ब्लू है, ये मेरा ये ग्रे के साथ वाइट पैच है, और इस पे वाइट पे ग्रे कलर का पैच, बड़ी प्यारी बेडशीट लगती है ये हम मैं ना किसी भी रूम में डाल देती हूँ इसको, क्योंकि इसका कलर ऐसा है कि ये सारे पेंट पे सूट कर जाता है, आपके कमरे में कोई भी पेंट हो सारे कलर पे ये पेंट पे सूट कर जाता है। ये पिंक है, ये भी पैचेस वाला कलर है इसका, ये गोल्डन है, बिल्कुल अलग डिजाइन है इसका। जब ये मैंने डिजाइन किया था तो इतना लोगों ने पसंद किया था इसको, और आज भी इस डिजाइन को लोग आपको पसंद करते हैं, और मेरे यहाँ मोस्ट वांटेड डिजाइन है ये, और ये मैं अपने यहाँ दो रंगों में बिछाती हूँ इसको। मेरे यहाँ एक ये है मेरे पास, एक शायद पिंक कलर है इसका मेरे पास, मैं दो रंगों में बिछाती हूँ इसको अपने अलग अलग रूम में अलग अलग डालती हूँ, तो ये बहुत कॉर्नर स्टाइल डिजाइन है इसका, ये बहुत ही प्यारा लगता है। प्रिंट के साथ इसका मैचिंग है, प्रिंट और प्लेन के साथ, और ये और प्लस इसमें एम्ब्रॉयडरी भी है ये, तो मतलब मोस्टली सारी बेडशीट, मोस्टली क्या 99% मेरे पास किंग साइज़ की बेडशीट ही है, क्योंकि मेरे जो बेड है वो सारे किंग साइज़ के ही हैं, तो मैं तो सारी बेडशीट किंग साइज़ की लाती हूँ और वही बिछाती हूँ मैं। तो देखिए ये बेड कवर कितना खूबसूरत बेड कवर है, ये मैंने भी लॉकडाउन हुआ था पिछले साल, तो उसी से पहले मैंने ये डिज़ाइन किया था, तो मेरे को तो रहा ही नहीं है, मैं तो ये अपने घर के लिए उठा लाई, बहुत ही सुंदर लगता है ये। इसमें सारी देखिए ये कंट्रास्ट के कुशन है, ये इसके पिलो कवर है, मैं भी आपको इसको ना डाल के दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लगता है ये बिछने के बाद ना, मैंने अभी सिर्फ दो ही बार बिछाया है इसको, बहुत ही प्यार लगा है। Oh,
आपको अपना सारा कलेक्शन ऑलमोस्ट दिखा दिया है, लेकिन बट मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि एक तो कभी भी कलर ज़्यादा डार्क कलर की या कलर कोई बेडशीट में हमको धूप में ना सिखाएं, क्योंकि तेज धूप में कलर फेड होने का डर रहता है। और कलर और वाइट को एक साथ ना दो हैं, क्योंकि कभी कभी कलर उस पर वाइट पे आ जाता है, हल्का सा भी आता है तो पता लगता है। और होता है टाइम जरूर लेवेंडर जरूर डाल दें, कुछ भी खुशबू हो आपके पास वो डाल दें, इसे बेडशीट में खुशबू बनी रहेगी और आपकी नींद बहुत अच्छी रहेगी। इसी तरह की नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे।